दिनों से लगे हुए, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की, मैंने शिव पुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, और फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव आदिदेव महादेव, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको बीच पर जाकर आप सुनेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उसे चिपका दीजिए, और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना करकर वापिस घर को आ जाइए, बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे।